हल्द्वानी के ऊंचा पुल क्षेत्र में 3 दिवसीय निशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में सैकड़ों लोगों ने हिस्सा लिया। इस निशुल्क चिकित्सा शिविर में नेचुरोथेरेपी, न्यूरोथेरेपी, पंचकर्म, आयुर्वेदिक और यूनानी के चिकित्सकों ने निशुल्क लोगों का इलाज कराया जा रहा है। जिला आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी महेंद्र सिंह गुंजियाल ने बताया कि शासन के निर्देश पर 13 जिलों में निशुल्क स्वास्थ्य शिविर लगाए गए हैं, जिसमें सैकड़ों लोगों शिरकत कर रहे हैं। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। इसमें हमारे आयुर्वेदिक के साथ साथ में होम्योपैथिक का भी स्टॉल लगा हुआ है, जिसमें क्षेत्रीय जनता उसका फायदा उठा रही है। और खासकर न्यूरोथेरेपी हमारे यहाँ मेन आकर्षण का है, और साथ में मर्म और साथ में एक नाड़ी परीक्षण का वो लगा रहा है, जिसमें आदमी अपने जो है वात पित्त कफ के अनुसार अपने रोगों का वो मालूम पड़ जाता है उसमें। ये चिकित्सा शिविर जो है हमने रामलाल मैदान ऊंचे पुल में लगाया है। इसमें कल 400 मरीज आए थे। इसमें ज़्यादातर मरीज जो हैं वात व्याधि के हैं, उदर रोग के हैं, और संधिवात के हैं, और अम्लपित्त के हैं, त्वचा रोग के हैं, और ज्वाइंट रोग के जितने भी हैं, जोड़ों के बहुत सारे मरीज यहाँ आ रहे हैं। हम लोग यहाँ पे इनका अग्निकर्म कर रहे हैं, यहाँ पे न्यूरोथेरेपी चिकित्सा चल रही है इनकी, और यहाँ पे हम लोग जो है पंचकर्म की चिकित्सा इनको दी गई है यहाँ पे।